नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं कि ये जो खेती आप लोग देख रहे हैं ये किस चीज़ का खेती है, और ये जो ये खेती को किए हैं वो किसान भाई साहब को मिलाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चलिए अपने बारे अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। हाँ, कृष्णा महतो। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। कृष्णा महतो। हाँ, कृष्णा महतो नाम है। गाँव कहाँ है? पाली। पाली है ना। हाँ बताइए, ये जो आप खेती किए हैं ये किस चीज़ का खेती है? ये सीम का खेती है। सेम का खेती है ना। बताइए इसको कैसे कैसे करके लगाते हैं, सबसे शुरू से बताइए। सबसे पहले तो खेत का जुताई करते हैं। हाँ हाँ, जुताई करने के बाद नाली बनाते हैं। हाँ, जैसे लाइन बाय लाइन देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ये लगाया हुआ है, वैसे ये लोग लाइन करके नाली बना करके छोटा छोटा गड्ढा बनाते हैं। हाँ हाँ, उसमें बिचड़ा देते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी से ढक देते हैं उसको ना, ताकि मतलब ऊपर से जैसे बारिश हो। हाँ हाँ, तो खदेड़ा ना जा सके। अच्छा, लगाते समय क्या क्या खाद उद देते हैं? बस कुछ नहीं, खाली गोबर खाद भर देते हैं। अच्छा, आप गोबर खाद केवल देते हैं? हाँ। ना, सब किसान अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप अपना हिसाब से किए हैं तो जन्म करके जो है ना। हाँ हाँ, मिट्टी से जब बाहर आ जाता है तब उसमें थोड़ा थोड़ा DAP का इस्तेमाल करते हैं। कितना दिन बाद में? 15 दिन। 15 दिन बाद में ना। अच्छा, बता सकते हैं इसमें कौन सा बीज यूज किया था आप लगाते समय? अरे ये वाला बीज तो देहात वाला है। अच्छा, देहात वाला है ना। बीजा जो है सो कंपनी वाला नहीं है, देहात वाला बीजा है। जैसे आप लोग हमेशा करके उसको रखते हैं, उसके बाद फिर अगला सीजन में लगाए, वैसा करके अगला सीजन इसको जो है ना अपना घर से जैसे जमा करके रखे ना। हाँ हाँ, उसको लगाने से पहले 2 ग्राम का ये मिलता है। हाँ, या कैप्टन। हाँ, या थीरम। हाँ, तीन गो पाउडर में किसी एक पाउडर से। हाँ, उसको 2 ग्राम करके और उपचार कर लीजिए। हाँ हाँ, उसके बाद लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा करके आप लोग लगाते हैं ना। उपचारित बीज में जो है ना। हाँ हाँ, रोग ग्रस्त नहीं रहता है। अच्छा, इसीलिए उपचार करके लगाया जाता है। घरेलू बीज जितना है ना। हाँ, उसको उपचार करके उसके बाद लगाए। तो ये जो लगभग कितना दिन बाद में ये तैयार हो जाएगा? बाबा इसको तो पहली बार लगाए हैं, इसलिए टाइम तो ऐड नहीं है। अच्छा, कौन समय आसपास में लगाए थे ये बता दीजिए आप। जो है सो ये सितंबर है। हाँ, हम लोग अगस्त महीना में ना। हाँ, अगस्त महीना में लगाए हैं, फर्स्ट आवर था। यानी कि फर्स्ट अगस्त में ही। हाँ, लगाए हैं ना। एक महीना करीब हो गया है। जैसे अभी तक में आप कोई खाद उद नहीं दिए हैं? नहीं, अभी यही आप पहली बार अभी देख रहे हैं। अभी हम लोग निकाई गुड़ाई कर रहे हैं। ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये जो किसान भाई लोग किस प्रकार से अभी मिट्टी चढ़ाई कर रहे हैं पौधे के ऊपर में, इसी समय में ये लोग जो भी खाद दिए हैं। हाँ, का खाद दिए हैं? डीएपी दिए हैं ना, पौधा के बगल में थोड़ा थोड़ा करके डीएपी दिए हैं। उसके बाद में ये लोग मिट्टी चढ़ाई का काम कर रहे हैं। अभी तक ऊपर से कोई दवा छिड़काव उड़काव नहीं किया? अभी दवाई कोई छिड़काव नहीं किए हैं। हाँ, जब पोजीशन दिखने लगेगा। हाँ, तो सबसे पहले सबसे साधारण दवाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बताइए इसमें कुछ रोग वोग भी लगता है? रोग इसमें लाही वाला रोग लगता है। हाँ हाँ, तो लाही लगता है तो हम लोग 10 cc का दवाई जो है ना। हाँ, जो साधारण कैटेगरी में है उसको खरीद के और हल्का हल्का दे देते हैं। अच्छा, उसके साथ एक पुड़िया मिलता है लाही वाला, जैसे आपको क्या कहते हैं, अरे याद नहीं आ रहा है अभी, नाम बता रहे हैं हम लोग जिसको देते हैं। हाँ हाँ, बायोस्टेट का तो नाम है या भुला गए हैं अभी। एडमायर जो है ना। हाँ हाँ, एडमायर टाइप का पाउच मिलता है छोटा छोटा, उसी को मिला करके दे देते हैं। हाँ, एक से दूसरा छिड़काव करते तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चलिए कुछ दवा के बारे में विशेष कुछ बतलाइए, तो जैसे दवा कैसा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से आप बताइए। देखिए दवाई तो बाबा इसमें फफूंद नाशक भी रोग लगता है, तो फफूंद नाशक रोग के लिए जो है सो फफूंद नाशक पाउडर, जैसे आपका रोको हो गया है ना। हाँ, बरसात का सीजन है इसलिए रोको देना जरूरी है, ताकि उसमें पत्ती सड़न गलन जो भी प्रोडक्ट बीमारी है उसको बचाने के लिए वो जरूरी है। जैसे ये तैयार हो जाता है फिर इसको आप लोग बेचने कहाँ ले जाते हैं? इसको जैसे छिमिया तैयार हो गया। हाँ, दाना आ गया तो तोड़ करके फिर बाजार ले जाते हैं। हाँ, हम लोग तो बस बाजारे वाला ना है बाबा।
देख सकते हैं गांव के छोटे किसान लोग किस प्रकार से अपना घर परिवार चलाने के लिए खेतीबाड़ी का काम करते हैं। जब भी ये छोटे किसान लोग अपना खेत से फल सब्जी तोड़ के बाजार में या मार्केट में कहीं भी ले जाते हैं, आप लोग इनसे अच्छे से ख़रीदारी कीजिएगा, क्योंकि ये लोग छोटे किसान लोग अपना इस तरह से छोटे छोटे खेतों में अपना खेतीबाड़ी करके अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं, इसलिए ये लोग जब भी बाज़ार में ले जाते हैं आप लोग इनसे अच्छे से ख़रीदारी कीजिएगा, उतना मोल भाव करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग छोटे किसान लोग आप लोग अच्छे से ख़रीदारी करने से इनका घर परिवार चलने का काम होता है। आप लोग जब भी मार्केट में ख़रीदारी कीजिएगा तो उतना मोल भाव करने की कोशिश मत कीजिएगा, अच्छे से ख़रीदारी कीजिएगा। भाई साहब बताइए कि इसको जैसे रोग वोग भी लगता है तो इसे आप लोग दवा ववा का अथी करते हैं ना? हाँ, दवाई देते हैं जैसा पोजीशन रहता है उस हिसाब से, आप लोग उस हिसाब से देते हैं। मान लीजिए जैसे ये तो अभी बरसात लास्ट सीजन है, हाँ, तो इसमें चित्ती लगता है, चित्ती लगा तो फफूंद नाशक दवाई देते हैं इसमें। देख सकते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से अपना खेत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जन जैसे कीट लगता है, हाँ, कीड़ा लगता है तो कीटनाशक दवाई देते हैं। अच्छा, आजकल तो बाबा देखिए हर चीज के लिए अलग अलग दवाई देना पड़ता है। मान लीजिए कीट के लिए कीटनाशक दवाई दीजिए, फफूंद के लिए फफूंद नाशक दवाई दीजिए, अगर पौधा बैठा हुआ है उसको उठाना है तो टॉनिक दीजिए, हाँ, है ना, इस टाइप का पोजीशन के अनुकूल सब करना पड़ेगा। जैसे आप हमको ऑफ कैमरा बता रहे थे कि किसान लोग ऐसा हाई क्वालिटी का दवा दे देते हैं और क्या करते हैं, चलिए उसके बारे में बताइए कुछ। जैसे आप हम लोग जो है ना किसान भाई, किसान भाई लोग जैसा करता है वैसा हम लोग नहीं करते, हाँ, इसलिए नहीं करते कि ये सीम का जो बिचड़ा पौधा है इसमें सबसे पहले सबसे साधारण दवाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ते जाता हो इसे उससे ऊंचा क्वालिटी, जैसे मान लीजिए पहले अभी हम 5 रुपया का दवाई इस्तेमाल करके दिखा लिए, अगर उसमें कंट्रोल हो गया बीमारी तो हम 50 रुपया काहे लगाएंगे, लेकिन अगर 5 में नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर उससे ऊंचा क्वालिटी का दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो नियंत्रण में रहेगा। और 5 के बजाय अगर एक बार ही फर्स्ट आवर में अगर 50 वाला इस्तेमाल किए तो फिर बाद में हमको मुश्किल झेलना पड़ेगा। ये किसान, बहुत सारे किसान ये गलती करते हैं, हाँ, ये गलती करते हैं, इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए। जब वैसा गलती वो लोग करते हैं लेकिन खामियाजा किसी अगला को भी भुगतना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए अगर मान लीजिए इस खेत में हम फसल लगा हुआ है, हाँ, और उस तरह का गलती अगर हम दोहरा रहे हैं तो हम इस खेत में दिए तो इसका वायरस 1 किलोमीटर के दायरे में वो जो है सो पहुंच जाएगा, हाँ, तो 1 किलोमीटर के दायरे में उससे कमजोर दवाई अगर दूसरा किसान देगा अपना फसल में तो कामयाब नहीं होगा, क्या कि इसका वायरस फैल हो चुका है, यही उसमें सबसे बड़ी गुण है। देख सकते हैं कि ये किसान भाई किस प्रकार से बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, ऐसा अगला आगे जो भी किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं वो ये किसान भाई का बातों को गौर करें, और ये जो किसान भाई बताए इस प्रकार से आप लोग भी इनका बातों को मानने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका फसल भी उतना कुछ नुकसान ना हो और अगला को भी कुछ नुकसान उठाना ना पड़े। भाई साहब इतना अपना खेती के बारे में और इतना अच्छा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए और नए नए किसानों से आपको मिलाते रहे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।